Hello, good morning. This is uh, Amarjot Singh. I'm in Edmonton, of course, as usual. And today is uh, July 9th and it's uh, 10.21 a.m. I'm glad to bring online uh, one of the consultants from Lahore, Pakistan. Her name is Shaheen Malik, and uh, she has yeah. jo uh, joined me from Pakistan. Uh, and she's a consultant and she has some exciting news of, about some uh, study program

Uh, today was, uh, 39 and feel like 44 टूडे वॉज थर्टी आपकी जो है मोबाइल नंबर yes, exactly. भी दिया हुआ है आपका सब आ, सब दिया हुआ है और बाकी आप अपना फोन नंबर बाद में भी इसको आ, दोहरा सकती है और इनका नाम है सिल्क कंसल्टेंस और ये इनका ऑफिस लाहौर में है और ये काफी टाइम से मैं समझता हूँ कि मैं आपको शायद आई थिंक आई एम ट्राइंग टू सी एफ आई नो यू फ्रॉम द पास्ट टेन इयर्स दस साल हो गए कितने ज़्यादा या बिल्कुल uh, नहीं सात आठ साल सात सा, आठ साल मोर देन 7 मोर देन 7-8 इयर्स सो उस टाइम से आप कर रहे हैं कौन-कौन सी कंट्रीज का कौन कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीज के इमिग्रेशन uh, और वो करते हैं आप जी. वहां से हम लोग सिर्फ करते हैं इमिग्रेशन सिर्फ कनाडा कर रहे हैं इसके अलावा हम स्टडीज जो हैं वो करते हैं मोस्टली uh, कनाडा करते हैं हम यूएसए करते हैं यूके करते हैं और आजकल जो मेजर बड़ा कर रहे हैं वो टर्की कर रहे हैं फ्री स्टडीज इन टर्की फ्री स्टडीज इन टर्की दुनिया में तो हमें होता नहीं है फ्री कैसे पढ़ा रहे हैं क्या 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 असली राज क्या है उनका Uh, they are offering free studies but in uh, most of the programs are in turkish taught jiske liye one year language course hai aur uske baad unka apna uh, tamam public sector universities totally free education de rahi hain totally free और उसमें कोई फिफ्टी परसेंट प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं उनकी जब सीटें खत्म हो जाती हैं तो फिर वो टर्किश टॉट प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं like session साल में एक ही जैसे होता है September fall session

जो टर्किश uh, पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम जब लैंड करते हैं तो ऑनस्टली नज़र आता है कि कितना वो प्यार हमें करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट आप शुरू हो जाए अब लैंड करते हैं टैक्सी से लेके यूनिवर्सिटी <laughs> की मैनेजमेंट तक हर कोई पाकिस्तानियों को वेलकम करता है और पूरी दुनिया के लिए बहुत वेलकमिंग है टूरिस्ट एरिया है और यूरोपियंस बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पे इवन आई हैव मेट ओवर देयर जो वहां पे आए हुए हैं यूरोपियन स्टडीज के लिए आते हैं क्योंकि तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सब वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स के लिए फ्री है स्पेसिफिक उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर नहीं किया सब के लिए फ्री है जाहिर है हिंदुस्तानियों के लिए भी फ्री है कि नहीं है जी बिल्कुल है बिल्कुल आ, है वहाँ पे जब भी हम जाते हैं तो कुछ कंपनीज आती हैं वहां से हमारी मीटिंग होती है

टर्की में क्या क्या स्कोप है फ्यूचर क्या है उनका इन फ्यूचर अगर टर्की में पढ़ाई करते हैं तो आगे उनका क्या होने वाला क्या हो सकता है उनका आगे क्या करते हैं लोग जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुझे ये तो बिल्कुल ही तकरीबन 90 परसेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि <laughs> आफ्टर स्टडीज वेयर आगी आगी। तो बिल्कुल जब आप स्टूडेंट वहां पे जाते हैं आपकी डिग्री की कंप्लीशन जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कॉलेज में नहीं यूनिवर्सिटीज में ही जा रहा है तो उसके लिए उसकी कंप्लीशन uh, के बाद अगर वो स्टे करते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी है और स्टडीज के बाद वहां पे टेम्प्रेरी रेजिडेंसी रिलीज होती है मिलता है टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड फर्स्ट ईयर देन टू ईयर फाइव ईयर स्टे फाइव ईयर्स में से फोर एंड हाफ स्टे after completion of the degree to get the yeah. permanent residence एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लें छोटे से छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे लेकिन ये थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी इसमें इंक्लूड हो जाएगा जैसे किसी बच्चे ने जो इंडिया का होता है टेन प्लस टू बारहवीं और आपका क्या क्या कहते हैं एफ कहते हैं 12th ग्रेड के बाद अगर कोई वहाँ पर कोई चार साल की डिग्री करता है लेट से कि बैचलर्स ऑफ यू नो इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ साइंस करता है चार साल की डिग्री के बाद

तो five years का टोटल फोर एंड स्टे अगर आफ्टर स्टडीज कर रहा है तो एलिजिबल फॉर स्टूडेंट भेज चुके हैं अभी तक आज अभी आज इस साल में या इस इस सेशन में कितने स्टूडेंट्स वाला जा रहे हैं क्या हो आ, रहा है आजकल पिछले साल तो हमारे माशाल्लाह से 300 थे

न, अच्छा अच्छा अच्छी बात है मैं सोच रहा हूँ पर छोड़ो क्या करना कनाडा अमेरिका पढ़ा के टर्की भेज दिए उन्होंने टर्की भेज दी, है है। तर्की दी वो ज्यादा अच्छा है अच्छी जगह है मुझे तो पसंद और, और खर्चा खर्चा कैसे है खर्चा कंपेयर जैसे आप कनाडा का भी काम करते हैं तो कनाडा के हिसाब से जो लिविंग एक्सपेंसेस वाला फूड वाला वो क्या कैसे खर्चा है उसका किस हिसाब से अ डिपेंड करता है सिटी पे जैसे हमेशा कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल एक जो फिक्स है वो तो 5000 है ना आपकी लिविंग इयरली इस्तांबुल की अगर करते हैं अदर देन दिस सिटी इट्स 4000 5000 5000 यूएसडी अच्छा 5000 यूएस डॉलर लिविंग एक ऑफिशियल कॉस्ट है लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइफ वहाँ पे गुजार करें एक साल का, का? एक साल ज्यादा नहीं अगर नॉर्मल आप शेयरिंग पे रह रहे हैं आ, देन द मंथली इज मैक्सिमम 200 डॉलर अच्छा 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 तो वो भी वो भी अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं ये तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है कोई ज्यादा नहीं है अगर फ्री एजुकेशन है और इतने इतने लिबरल आउटकम्स हैं तो वीजा का तो कोई चक्कर नहीं है वीजा तो सबको मिल जाता होगा वीजा भी ऐसी कोई अप्रूवल रेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है

आ, बोल दें यार फोन नंबर बोल दें अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप कैसे कांटेक्ट कैसे रब्ता कर, कर दे सकते हैं लाहौर में हमारा जोहर टाउन में ऑपोजिट डॉक्टर्स हॉस्पिटल सभी जानते हैं केनाल पे बिल्कुल सिग्नल के ऊपर हमारा ऑफिस है और फोन नंबर ये है डबल टू जी वन है और फोन नंबर है जीरो जीरो डबल थ्री टू फोर एट वन थ्री वन ओ वन प्लस नाइन कंट्री कोड जरूर आपको ऐड करना पड़ेगा इफ यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान चलते चलते शाहीन मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा कि इस वक्त इस वक्त कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान में इमिग्रेशन के क्या सूरत हाल है वहां पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और कनाडा की इंडस्ट्री कनाडा के लोग के जो एप्लीकेंट्स हैं वो क्या है ग्राउंड रियलिटी क्या है कैसे लोग फील करते हैं इसको कोरोना वायरस की वजह से अगर उनके कैनेडा की वीजा नहीं लग रहे हैं सो वॉट इज गोइंग ऑन इन द माइंड टर्की तो ओपन है उस पर तो कोई बैन नहीं है टर्की हमारा फेडेक्स जैरी कलेक्शन सेंटर जो है वो भी ओपन है कैनाडा के लिए हमारी एप्लीकेशंस बहुत कम हो गई हैं एज कम्पेयर टू विंटर सेशन स्प्रिंग सेशन भी ठीक था विंटर भी ठीक था अभी बिल्कुल भी एक like चूंकि जैसे पहले भी जरिशो थोड़ी सी कम होती थी कैनाडा की अब हम कहते हैं जी अपलिकेशन भी कम हो गई है क्योंकि okay, हमें तो ऑफिशियल नोटिस भी जैसे यूनिवर्सिटी ने दे दिया कि अभी नहीं ले रहे ऑन ग्राउंड स्टूडेंट्स नहीं होगे ऑनलाइन होएंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का बन भी नहीं पा रहा लास्ट थ्री मंथ से कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट भी जो डोमेस्टिक है कि ऑनलाइन कर सके बट देर इज नो ट्रेंड फॉर ऑनलाइन स्टडीज सो इज़ कैनाडाइंग मलेशिया जाते थे लोग लेकिन अब काफी ट्रेंड कम हो गया मलेशिया में फ्यूचर स्कोप नहीं है टर्की yeah. में आप सिक्योर हो आप जा रहे हो आपको पता है अगर आप सेटल हो गए तो आप सेटल रहे हैं Malaysia में ऐसा नहीं है अगर आप जा रहे हैं तो आपने पढ़ के वापस आना है सो so, ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच दोस्तों अगर आपको कोई कोई भी अगर आप मेरे को कॉल करते हो स्पेशली आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान से कई लोग कॉल करते हैं दुबई से मिडिल ईस्ट ऑफ कोर्स काफी पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग भी कॉल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आप रहा कर सकते हैं इनसे शाहन से इनका लाहौर में ऑफिस है बाकी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना मेरे को कोई पैसे बनाने हैं <laughs> को कोई कमीशन नहीं मिलनी है इस बारे में मैं आपको साफ कर मेरा ऐसे ऐसा कोई पैसे का इसमें कोई ट्रांजैक्शन <laughs> नहीं है मैं तो ऐसा गुडविल शाह yes. ने शाहन ने बताया मेरे को टर्की के बारे में तो मेरे को ऐसे की लगी कि टर्की में क्या है इसलिए मैंने उनको एक न्योता दिया कि आप टर्की के बारे में बताएं और लोगों को मैक्सिमम लोगों को एक मैसेज दें और जिनको कांटेक्ट करना है तो शाहीन मलिक लाहौर में इनका ऑफिस है एड्रेस ये दे चुकी हैं और स्क्रीन पे भी आ जाएगा तो इसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन एप्लीकेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर खुदा हाफिज़ थैंक यू थैंक यू बाय